वेलकम टू टेक्नो स्मार्ट टेक्निकल एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कंप्लीट ब्लॉगिंग सीएमएस क्रिएट कर रहे हैं जो कि फुल्ली डायनामिक है और पीएचपी एंड माइस्किल के द्वारा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, अब तक यदि आपने ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो वो ट्यूटोरियल देख लीजिए, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था, यहाँ पे रिसेंट पोस्ट को डिस्प्ले करा लिया था, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिसेंट पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है प्रॉपर, तो ऐसे कि देख सकते हैं रिसेंट डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरीज क्रिएट करना सीखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक कैटेगरी क्रिएट करना नहीं सीखा है। तो कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए हमें टेबल जो क्रिएट करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी टेबल्स में कौन कौन से फील्ड आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यदि आपने पिछले ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो कंप्लीट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कंप्लीट प्लेलिस्ट, तो देख लीजिए तभी आपको ये समझ में आएगा प्रॉपर। तो आपको कैटेगरी क्रिएट करने के लिए, तो सबसे पहले न्यू, ठीक है, ये न्यू, और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट करनी है आपको नजर दे टेक्नो कैटेगरी, ठीक है, टेक्नो कैटेगरी के नेम से आपको क्रिएट करनी है, गो ओके। बाद यहाँ पे आपको फील्ड जो लेनी है कैटेगरी आईडी, उसको लेना है आपको इंटीजर 20 में ले सकते हैं आप। उसके बाद कैटेगरी क्या नेम होगा, वेरिएबल, उसके बाद कैटेगरी स्लग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का स्लग भी लेना है, तो वेर कैर, और इसे भी मैं ट्विंड रेड देता हूँ, एंड भेजाना है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट देना है इसको फर्स्ट को, एंड प्राइमरी की क्रिएट करना है, ठीक है। तो कैटेगरी आईडी को आपको प्राइमरी की बना चुके हैं हम, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल के प्रॉपर ये हो गया। कैटेगरी आईडी लेना है, कैटेगरी नेम लेना है, कैटेगरी सेलेक्ट देना है और उसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सेव, जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्नो कैटेगरी के नेम से ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसमें क्या होगा, जो कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे इसमें इंसर्ट हो जाएगी प्रॉपर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम क्रिएट करेंगे वो क्या करेंगे, हम ब्लॉग पोस्ट एंड जो हमारी कैटेगरी है उनको लिंक करने के लिए हम क्रिएट करेंगे। तो लिंक कैसे करेंगे मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कि लिंक कैसे करते हैं। तो न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर यूज कर लेता हूँ टेक्नो कैट लिंक्स, तो मैंने यहाँ पे दे दिया टेबल का नेम। उसके बाद मैं यहाँ पे आईडी ले लूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल एंड 20 साइज, उसके बाद सेकंड आर्टिकल आईडी भी इसमें लिंक कराएंगे हम यहाँ पे, कैटेगरी आईडी, ठीक है, कैटेगरी आईडी भी रिलेट करेंगे हम इसमें, ठीक है। प्रॉपर ये हो गया कैटेगरी आईडी एंड नॉर्मल नॉर्मल, उसके बाद जस्ट ओके प्रॉपर ऑटो इंक्रीमेंट एंड देन को प्रॉपर हो गया। इसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, आईडी हो गया, आर्टिकल आईडी हमने ले लिया एंड आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर क्या कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। तो प्रॉपर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया, तो आर्टिकल और आई मेरा कैपिटल है, आई डी, तो आई मेरा कैपिटल है, कैटेगरी और आई डी, आई मेरा कैपिटल है, डी स्मॉल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आई डी ले लिया, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्लॉग कैटेगरी को डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो ब्लॉग कैटेगरी को डिस्प्ले कराना मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल से, मैं यहाँ पे दिखा भी चुका हूँ। तो ब्लॉग कैटेगरी को नॉर्मल से डिस्प्ले करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट मैं करके दिखाऊंगा, जो कोड मैं पहले से बता चुका हूँ सिर्फ मैं उसको समझाऊंगा नॉर्मल से, और फटाफट मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में जाना है नहीं, एडमिन में जाना है, एडमिन में जाकर न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और न्यू फाइल किस नेम से क्रिएट करनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट करनी है न्यू फाइल ब्लॉग कैटेगरीज, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, सभी ब्लॉग की कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले होगी, तो सेम कोड ही होगा, फैच और डिस्प्ले का सेम कोड ही होगा। जैसे इंडेक्स डॉट पी एच पी वहाँ पे हम आर्टिकल डिस्प्ले करा रहे थे, यहाँ पे हम कैटेगरी डिस्प्ले करा रहे हैं। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल इंक्लूड कर दी है, फिर उसके बाद मैं चेक कर लॉगिन है कि नहीं है, सेम प्रोसेस है जो कि मैंने इंडेक्स डॉट पी एच पी में कराया था, और डिलीट का हो गया ये सेम प्रोसेस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट
उसके बाद हमारे ये आता है इंक्लूड करा दिया मैंने हेड फाइल, और उसके बाद टाइटल दे दिया कैटेगरीज के लिए और स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली डिलीट के लिए, और यहाँ पे हेडर फाइल हम मैंने इंक्लूड करा दी और ये मैंने क्लास ले ली कंटेंट। तो ये सेम कोड ही है जो कि मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी में करा चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम कोड ही है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल डिस्प्ले करा रहे थे, हम इसी तरीके से हम कैटेगरी को डिस्प्ले करा रहे हैं, तो ये सेम कोड ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको प्रॉपर। तो कंटेंट के बाद ठीक है, तो कंटेंट के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्शन ले रहा हूँ डिलीट करने के लिए, और यहाँ पे मैंने टेबल ले ली। टेबल के बाद सेम ही प्रोसेस है जो इंडेक्स डॉट पी एच पी में, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरी आईडी, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम एंड कैटेगरी स्लग फ्रॉम कहाँ से टेक्नो कैटेगरी। वहाँ पे हम जब क्रिएट करेंगे कैटेगरी तो यहाँ पे सभी डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर बाय कैटेगरी नेम, तो ऑर्डर बाय ले लिया मैंने और डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ प्रॉपर। यहाँ पे मैंने कैटेगरी का नेम दे दिया और उसके बाद एक बटन दे दिया एडिट करने के लिए, कि कैटेगरी को मैं एडिट भी करूँगा और डिलीट भी करूँगा, जिस जैसे कि मैंने आर्टिकल को एडिट करने के लिए किया था और डिलीट करने के लिए बटन लिया था, ऐसे ही मैं सेम यहाँ पे ले रहा हूँ टी आर। तो ये सेम कोड ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे ही मैंने ऐड न्यू आर्टिकल के लिए लिया था, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने साइड बार ले लिया और साइड बार में मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने फुटर ले लिया, ठीक है। तो ये सेम कोड ही है इंडेक्स डॉट पी एच पी में भी, आप देख सकते हैं ये सेम कोड ही है। तो यहाँ पे जस्ट चेंजेस है कि वहाँ पे आप आर्टिकल लेके आ रहे हो तो और डिस्प्ले करा रहे हो, और यहाँ पे कैटेगरी लेके आ रहे हो डिस्प्ले करा रहे हो, और यहाँ पे एडिट डिलीट के बटन भी दे दिया अपने। इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। एडमिन, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिंक ऐड की हुई है ऐड न्यू कैटेगरी या व्यू कैटेगरी, तो व्यू कैटेगरीज पे क्लिक कीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पे कैटेगरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप व्यू कैटेगरी, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे ऑपरेशन आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी के लिए एक फाइल क्रिएट करेंगे, तो चलिए क्रिएट करते हैं फाइल। तो उसका भी सेम ही प्रोसेस होगा, उसमें क्या करना होगा, आपको डेटा को इंसर्ट कराना है जो कि मैंने साइन अप फॉर्म में आपको बताया था। तो नॉर्मल सा मैं फटाफट बता देता हूँ क्योंकि ये सेम कोड ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यदि आपने पिछले ट्यूटोरियल कम्प्लीटली देखे हुए हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें जस्ट ऐड करना है। तो चलिए फाइल क्रिएट करते हैं, तो एडमिन न्यू फाइल देन सेव, और फाइल को सेव करना है आपको ऐड log category.php एड ब्रो कैटेगरी डॉट पी एच पी के नाम से आपने सेव कर लिया। उसके बाद चलिए कोड करते हैं php एंड देन यहाँ पे रिक्वायरमेंट फंक्शन यूज किया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इंक्लूड कर दिया, फिर हेडर फंक्शन सेम ही रहेगा, हेड फाइल को मैंने इंक्लूड कर दिया, उसके बाद ये टाइटल दे दिया इंक्लूड कर दिया हेडर फाइल को, और ये आपका कंटेंट हो गया, और यहाँ से मैं ऐड करूँगा। तो ऐड करने का सेम ही होगा, सबसे पहले वैलिडेशन आएगी, फिर एक फॉर्म आएगा और इंसर्ट क्वेरी परफॉर्म होगी, तो जैसे मैंने आर्टिकल को इंसर्ट कराया था। तो मैं फटाफट दिखा देता हूँ, जस्ट आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये कोड मैं करा चुका हूँ, इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस ही होती है। यदि आपने वहाँ पे देखा है ऐड ब्लॉग आर्टिकल, जैसे कि आप मैं दिखा देता हूँ ऐड ब्लॉग आर्टिकल्स में मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे वैलिडेशन की थी, ऐसे में मैं ऐड ब्लॉग कैटेगरी में भी यहाँ पे वैलिडेशन कर रहा हूँ प्रॉपर कि प्लीज़ एंटर द कैटेगरी, ऐसे मुझे मैसेज मिले। और उसके बाद मैं क्या करूँ, कैटेगरी का सलग यहाँ पे मैंने क्या लिया, वहाँ पे जब मैंने वहाँ पे आर्टिकल के लिए सलग क्रिएट किया था तो वहाँ पे मैंने सलग फंक्शन का यूज किया था, सेम जैसे कि आप वहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने सलग फंक्शन का यूज किया क्योंकि मुझे कैटेगरी के भी सलग क्रिएट करने हैं, कैटेगरी में काफ़ी वर्ड्स भी हो सकते हैं तो प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट के लिए इंसर्ट इनटू टेक्नो कैटेगरी, जो मैंने ये टेबल क्रिएट की टेक्नो कैटेगरी, तो मैंने इसमें इंसर्ट करा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर, ठीक है, इंसर्ट करा रहा हूँ। उसके बाद कैटेगरी नेम लिया, कैटेगरी सेलेक्ट लिया जो कि मैं इंसर्ट करा रहा हूँ प्रॉपर, ओके। और लोकेशन दे दी मैंने इसको कि एडिट होने के बाद वो ब्लॉक कैटेगरीज पे चला जाए। उसके बाद एरर मैसेज, ये कंप्लीट कोड पिछले ट्यूटोरियल में दिखा चुका हूँ, यदि आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो ट्यूटोरियल देख ली तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने आर्टिकल को ऐड किया था और जस्ट यहाँ पे मैं कैटेगरी को ऐड कर रहा हूँ, कोड सेम ही है, जस्ट कैटेगरी को ऐड करना आर्टिकल की जगह, ठीक है। तो प्रॉपर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैटेगरी टाइटल के लिए ले लिया, ठीक है, कैटेगरी मैं टाइटल दूंगा कैटेगरी नेम, ओके, और वो चेक करेगा कि उसमें इंसर्ट हुआ है कि नहीं है, और सबमिट बटन दिया और फोटो इंक्लूड कर दिया एंड साइड बार इंक्लूड कर दिया एंड फोटो इंक्लूड करा दिया। उसके बाद सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे मैंने जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ पीएचपी और सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबमिट होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पीएचपी सबमिट हो चुकी है। और सलग कैसे काम कर रहा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, सलग कैसे काम कर लेगा,
यहाँ पे यदि आप बनाते हो एक अनदर टेक्निकल ट्यूटोरियल्स, आपने टेक्निकल ट्यूटोरियल के नेम से कैटेगरी क्रिएट कर ली, ठीक है, तो सलग कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो नेम हो गया सलग, मैं आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस में, जो कि वहाँ पे यूआरएल में आएगा वो बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सलग यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल माइनस सिंबल एंड ट्यूटोरियल्स, तो इस तरीके से सलग भी क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे हम एडिट के लिए परफॉर्म करते हैं, तो एडिट जैसे ही मैंने वहाँ पे आर्टिकल को एडिट किया था, तो यहाँ पे भी मैं एडिट करूँगा, यहाँ पे भी मैं एडिट करूँगा किसको, कैटेगरीज को। तो एडिट करने के लिए मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एडिट के लिए। तो चलिए, तो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल देन न्यू फाइल, एंड यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है, एडमिन पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल एंड सेव कर देना आपको, एडिट ब्लॉग कैटेगरी डॉट पीएचपी, ठीक है। तो एडिट ब्लॉग कैटेगरी डॉट पीएचपी के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली, क्योंकि मैं इसको एडिट करूँगा, ठीक है, प्रॉपर हो गया। उसके बाद जस्ट आपको मैं आपको जस्ट जैसे आपने आर्टिकल को एडिट किया था ऐसे ही आप एडिट करोगे, सेम है। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद फॉर्म में डेटा आ चुका है, आने के बाद उसको अपडेट कर देना है, जो कि मैं पिछले ट्यूटोरियल में करा चुका हूँ। यदि आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जैसे कि मैं ब्लॉग आर्टिकल था यहाँ पे, तो इसी तरीके से मैं ब्लॉग कैटेगरी को एडिट कराऊंगा। तो फटाफट मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लोकेशन यहाँ पे चेक करें लॉगिन है कि नहीं है, हेड फाइल एंड हेडर फाइल हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्लास कंटेंट आ चुका है, उसके बाद यहाँ पे आ चुके थे कंटेंट पे, यहाँ पे मैंने H2 में ले लिया एडिट कैटेगरी टेक्नो स्मार्टर, और यहाँ पे क्या करा रहा हूँ मैं, जो कि सेम करा रहा था मैं पिछले ट्यूटोरियल में, वहाँ पे वैलिडेशन करा रहा था, तो यहाँ पे भी मैं वैलिडेशन ही करा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इनवैलिड आईडी प्लीज एंटर द कैटेगरी टाइटल, तो वहाँ पे मैं वैलिडेशन करा रहा था, यहाँ पे वैलिडेशन करा, और यहाँ पे मैं अपडेट क्वेरी यहाँ पे परफॉर्म, जो कि मैंने आर्टिकल को एडिट करते टाइम की थी, यहाँ पे अपडेट क्वेरी परफॉर्म कर रहा हूँ, अपडेट टेक्नो कैटेगरी सेट कैटेगरी नेम और कैटेगरी नेम, जो कि मेरा फॉर्म से आएगा, ठीक है, कैटेगरी से अलग कैटेगरी सर्वेयर कैटेगरी आईडी कैटेगरी आईडी, तो कैटेगरी आईडी जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। लोकेशन दे दी ब्लॉग कैटेगरी डॉट पी एच पी, एक्शन अपडेट हो, अपडेट हो जाने के बाद ये इस फाइल पे चला जाएगा। उसके बाद चेक कर रहे हैं यहाँ पे कोई एरर्स तो नहीं है, ठीक है, उसके बाद चेक कर रहे हैं कोई एरर्स तो नहीं, उसके बाद हम सिलेक्ट कर रहे हैं डेटा। अपडेट ऑपरेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद उसको फिर अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा जब हमारे फील्ड्स में आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया, कैटेगरी आईडी सिलेक्ट की, कैटेगरी नेम सिलेक्ट की, फ्रॉम किस में से, टेक्नो कैटेगरी में से, ठीक है, वेयर कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी आईडी को मैंने यहाँ पे लिया गेट करके, मीन्स वहाँ पे यूआरएल में आपकी कैटेगरी की आईडी आ जाएगी जब आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे। और ये मैंने आईडी को हिडन इसलिए लिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हम इसका यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे वहाँ पे। और नेम हमारा कैटेगरी नेम हो गया, और ये मैंने सबमिट बटन ले लिया और एक फील्ड ले लिया, उसमें डेटा आएगा उसको अपडेट कर देना है, जस्ट सेव करते हैं। ये नॉर्मल सा अपडेट ऑपरेशन है, जो मेन मेन पॉइंट होगी मैं आपको बताऊंगा, तो ये नॉर्मल सा है जो कि मैं पहले से करा चुका हूँ, मैं सेम ही है, जस्ट जब हमने आर्टिकल को एडिट किया था तो ये सेम ही प्रोसेस है, तो वहाँ से भी आप देख कर सकते हैं, और ये नॉर्मल से जस्ट थोड़ी थोड़ी चेंजेस है वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एडिट पे, एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ एस को, मैं रिमूव कर देता हूँ, देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपडेट ऑपरेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारे लिए, तो ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरी को ऐड करेंगे हम, ठीक है, कैटेगरी ऐड कर दी हमने प्रॉपर। उसके बाद मैं फटाफट आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ऐड ब्लॉग आर्टिकल पे जाना है। ऐड ब्लॉग आर्टिकल पे मैं आपको बताया था, जब हम एक ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कैटेगरी भी डिस्प्ले होती है, तो कैटेगरी भी डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो कैटेगरी डिस्प्ले कराने के लिए आपको आना है हेडर के ऊपर, जस्ट कोड करना है जो मैं आपको बता देता हूँ 62 लाइन पे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको कोड करना है, तो आर्टिकल यहाँ पे आपको लेना है आर्टिकल आईडी, ओके, उसके बाद डॉलर डी बी, तो हम यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे आर्टिकल आईडी और कैटेगरी, तो कैटेगरी से लिंक करेंगे हम आर्टिकल आईडी, यहाँ पे आप कह सकते हैं, तो इंसर्ट आईडी, लास्ट इंसर्ट आईडी प्रॉपर, उसके बाद इफ कंडीशन इज एरे, उसके बाद डॉलर कैटेगरी आईडी,
फॉर इच लूप लेंगे हम यहाँ पे, ओके डॉलर कॉस्ट, एंड यहाँ पे आप लेंगे कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी हो गया, एंड यहाँ पे एज लेंगे डॉलर कैटेगरी आईडी हो गया। उसके बाद प्रॉपर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे डॉलर एस टी एम टी, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया मैंने और उसको डॉलर डी बी प्रॉपर एंड प्रिपेयर इंसर्ट इनटू, तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट कराना है। इंसर्ट किस टेबल में कराना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टेक्नोकैट लिंक्स में हमें इंसर्ट कराना है। क्या क्या इंसर्ट कराना है, आर्टिकल आईडी और कैटेगरी आईडी जो लिंक होगी, ठीक है ये हो गया। उसके बाद टेक्नोकैट लिंक में मुझे इंसर्ट कराना है, तो मुझे यहाँ पे सेट करना है कौन कौन से मुझे फील्ड लेने हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ आईडी देन कैटेगरी आईडी, ओके। उसके बाद मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ भी देनी पड़ेगी, तो वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं कॉलन आर्टिकल आईडी कॉमा कैटेगरी आईडी, एंड यहाँ पे आपको कॉलन भी देनी है। उसके बाद सिंगल कोटेशन मार्क एंड सेमी कॉलन, उसके बाद एग्जीक्यूट भी करना है, तो डॉलर एस टी एम टी ओके एग्जीक्यूट करना है मुझे यहाँ पे। और एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा आर्टिकल आईडी, कैटेगरी आईडी एंड यहाँ पे लेके चलना है डॉलर कैटेगरी आईडी जो मेरी यहाँ पे इंसर्ट हो के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन प्रॉपर, ओके। तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना है, तो ये आर्टिकल मिस, तो यहाँ पे मिस स्पेलिंग हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आई निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर हो गया, यहाँ पे आपको चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो लास्ट आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिकल की आईडी है और कैटेगरी आईडी, जिस भी ब्लॉग पोस्ट से कैटेगरी को लिंक किया जाएगा तो वो आर्टिकल आईडी के साथ वहाँ पे लिंक हो जाएंगे, मतलब कि इंसर्ट हो जाएंगे इस टेबल में टेक्नोकैट लिंक से, ठीक है। तो वो आप बाद में समझ जाओगे नॉर्मल सा, तो मैं आपको बता दूँ। अब मुझे क्या करना है, एक चेकबॉक्स क्रिएट करना है, तो चेकबॉक्स को मैं फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ। आपको कहाँ पे आना है, फॉर्म में आना है, फॉर्म में आने के बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे मैं कोड करके दिखाऊंगा आपको, फटाफट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो ये एक नॉर्मल सा चेकबॉक्स है जो कि मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, तो वीडियो लेंथली ना बने तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पीएचपी ली, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, इसको मैंने नल दे दिया, और उसके बाद सेलेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरी आईडी कैटेगरी नेम कहाँ से, टेक्नो ब्लॉग कैटेगरी से, नॉर्मल सा मतलब समझिए। यहाँ पे मैं एक चेकबॉक्स यूज कर रहा हूँ, चेकबॉक्स में क्या अगर डिस्प्ले करा रहा हूँ, कैटेगरी नेम को डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक है। चेकबॉक्स में वाइल लूप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इफ इस सेट डॉलर पोस्ट कैटेगरी आईडी, और यहाँ पे मैंने चेकबॉक्स यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एको में एल्स पार्ट में एको करा रहा हूँ चेकबॉक्स नेम आईडी वैल्यूज और कैटेगरी आईडी, ठीक है। कैटेगरी नेम के थ्रू मैं यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो वन बाय वन सभी कैटेगरी हो जाएंगे, और यहाँ पे हम मल्टीपल कैटेगरी चूज कर सकते हैं। तो फिर सेट तक ये कोड होता है मेरा कंप्लीट, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ से फील्ड सेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं फील्ड सेट, तो फील्ड सेट, और ये बटन आ चुका है, तो ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है। तो उसके बाद आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में चाहिए, डैशबोर्ड में जाने के बाद ऐड न्यू आर्टिकल पे चाहिए, और ऐड न्यू आर्टिकल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं जो कि मैंने कैटेगरी क्रिएट की थी पीएचपी और टेक्निकल ट्यूटोरियल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए एक अनदर चलिए क्रिएट कर लेते हैं, तो हाउ टू क्रिएट डायनामिक ब्लॉग इन पीएचपी, सपोज की इन पीएचपी, तो सपोज कीजिए मैंने ये टाइटल दे दिया, और इसका डिस्क्रिप्शन में क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटेंट दे देता हूँ, जो भी मेरा कंटेंट नॉर्मल सा कोई भी कंटेंट आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बोथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं बोथ सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और सबमिट कर देता हूँ प्रॉपर। तो सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं ये सबमिट हो चुका है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैट लिंक में यहाँ पे क्या होता है। तो रीलोड करते हैं, आर्टिकल आईडी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आर्टिकल आईडी को मुझे चेक करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि आर्टिकल आईडी क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने वहाँ पे भी चेंज की थी, यहाँ पे चेंज करना बाकी था, तो मैंने यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। इको रिमूव कर दीजिए, इको रिमूव कर दीजिए। और अभी मैं चेक कर लेता हूँ प्रॉपर, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ई एंड यहाँ पे भी रिमूव कर दीजिए, तो आर्टिकल आईडी सेव अब प्रॉपर है। और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके डिलीट, ठीक है। और ऐड न्यू करते हैं, तो मैं वही ले लेता हूँ सेम। ओके ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, सपोज गया, और PHP एंड टेक्निकल ट्यूटोरियल हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद सबमिट हो गया, उसके बाद चेक करते हैं यहाँ पे लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आर्टिकल आईडी मेरी 1212 है, तो 12 मेरी आर्टिकल आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट, कि मेरी 12 नंबर, तो ये मेरी पोस्ट होगी जो 12 नंबर आईडी पे होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्नो ब्लॉग में 12 नंबर आईडी पे, तो 12 नंबर आईडी पे ही है, ठीक है, प्रॉपर है। और कौन कौन सी आईडी यहाँ पे लिंक हुई है, 1 और 2। तो 1 और 2 पे मैं देख लेता हूँ टेक्नो कैटेगरी, 1 और 2 पे क्या है, 1 पे है PHP और 2 पे है टेक्निकल। तो ये लिंक हो चुकी है प्रॉपर, तो इन्हें ज्वाइंट करके हम वहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो ये प्रॉपर मेरा इंसर्ट का हो चुका है, ठीक है। तो ऐड न्यू कैटेगरी, जैसे कि मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, सपोज कीजिए मैं HTML यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और क्या करता हूँ ऐड न्यू ब्लॉग पोस्ट। ऐड न्यू ब्लॉग पोस्ट में करते हैं, यहाँ पे HTML भी आ जाता है। तो आप इंडिविजुअल एक भी ले सकते हो, मल्टीपल भी ले सकते हो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, लिंक करा दी है ब्लॉग पोस्ट को। अब हमें क्या करेंगे, कैटेगरी में डिस्प्ले भी तो कराना पड़ेगा, तो डिस्प्ले भी कराते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे प्रॉपर। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट के लिए भी कर लेते हैं। जब मैं एडिट कराता हूँ पोस्ट डैशबोर्ड में, जैसे ही मैं जाता हूँ और एडिट पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी भी एडिट कर सकूँ। तो एडिट करने के लिए भी सेम कोड ही होगा जो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, एडिट ब्लॉग आर्टिकल पे जाना है। और एडिट ब्लॉग आर्टिकल पे जाने के बाद मैं बता देता हूँ कोड, तो वीडियो ज़्यादा लेंथली ना हो इसलिए मैं फटाफट आपको बताऊँगा। तो हेडर के ऊपर, हेडर फंक्शन के ऊपर जस्ट ऊपर आपको ये कोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं अपडेट करूँगा डिलीट फ्रॉम टेक्नो कैट लिंक, जब मैं अपडेट करूँगा वहाँ से वो डिलीट हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे वो सबमिट हो जाए। तो यदि मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं उसको अपडेट करूँगा, प्रीपेड डिलीट टेक्नो वेयर आर्टिकल आईडी इज इक्वल टू आर्टिकल आईडी, ठीक है। अगर मैं वहाँ से हटा देता हूँ कैटेगरी को, ठीक है, तो वो वहाँ से डिलीट हो जाए आर्टिकल आईडी, ठीक है, प्रॉपर हो गया। उसके बाद इंसर्ट कर रहा हूँ टेक्नो कैट लिंक में, उसके बाद मैंने इज एरे कैटेगरी आईडी और कैटेगरी आईडी को मैं प्रीपेयर करके वहाँ पर डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो वो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये इतना कोड होता है ये प्रॉपर, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, तो वीडियो ज़्यादा लेंथली ना हो इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। उसके बाद आपको सेम क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स को ऐड करना है। तो कॉम्बो बॉक्स को आप यहाँ पे ही ऐड करोगे सेम ही लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के बाद, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कॉम्बो बॉक्स में क्या हो गया, मैंने वहाँ पे भी सेम लिया था, तो यहाँ से लिया मैंने फील्ड सेट, लिया मैंने कैटेगरी दे दी, और चेक दे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया चेक्ड, और उसको दे दिया नल। उसके बाद मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैटेगरी नेम को, और यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। और जो पहले से अवेलेबल है उसको चेक किया है मैंने, तो पहले से अवेलेबल कैसे होगा, तो ये कंप्लीट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक होगा, आप देख सकते हैं नॉर्मल सा कोड है जो कि नॉर्मल से आप समझ सकते हैं। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो सेव कीजिए, उसके बाद रीलोड कीजिए। तो रीलोड करता हूँ मैं यहाँ पे, तो रीलोड करने के बाद आप देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे चेक होके आ रहे हैं, तो PHP एंड टेक्निकल ट्यूटोरियल यहाँ पे ऑलरेडी चेक्ड है। क्यों चेक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया होता। अब मैं इसको हटा के यहाँ पे HTML कर सकता हूँ और अपडेट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये अपडेट हो जाएगा प्रॉपरली। तो कैट लिंक में जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ चुके हैं जो कि HTML के लिए है। तो यहाँ से इस तरीके से हम अपडेट करेंगे, ओके प्रॉपर हो जाता है ये मेरा। चलिए अब इसको डिस्प्ले कराते हैं। सबसे पहले आपको इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जाना है, ब्लॉग के इंडेक्स डॉट पी एच पी पे। तो ब्लॉग के इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जाइए, और यहाँ पे जो आपको करना है मैं आपको बता देता हूँ कोड करना है, जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा वो कोड करना है।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स पेज में ब्लॉग टाइटल के साथ हम कैटेगरी भी लिंक कराएंगे। तो कैटेगरी कैसे लिंक कराते हो, तो ये वीडियो लेंथली ना हो तो मैं फटाफट जस्ट आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। तो मैं उसको समझाता चला जाऊँगा फटाफट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है इंडेक्स डॉट पी एच पी में, इंडेक्स डॉट पी एच पी में जाने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे जाना है ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे आपको ये कोड चेंज करना है। तो इस कोड के रिप्लेस में आपको बताता हूँ कौन सा कोड यहाँ पे यूज करना है आपको। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ प्रॉपर। तो ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे तो आपका टाइम ही आएगा, ठीक है, टाइम आएगा प्रॉपर। और कैटेगरी नेम और कैटेगरी सेलेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर रहा है टेक्नो कैटेगरी टेबल से, ठीक है। और वेयर टेक्नो कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी एंड कैट लिंक्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो मैंने लिंक्स कराई थी टेक्नो कैट लिंक्स में, ठीक है, वहां से चेक कर रहा है कौन सा आर्टिकल आईडी कौन सी कैटेगरी से लिंक होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे किस आर्टिकल आईडी में कौन सी कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। तो वो मैंने यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ है, देखिए, टेक्नो कैटेगरी एंड डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू टेक्नो कैटेगरी लिंक्स, ठीक है, डॉट एग्जीक्यूट आर्टिकल आईडी। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करा दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो एच रैफ कैटेगरी एंड फॉरवर्ड स्लैश। कैटेगरी क्यों दिया है मैंने यहाँ पे, कैटेगरी इसलिए दिया है क्योंकि मैं यूआरएल में कैटेगरी यूज करूंगा, ठीक है। तो यू आर में कैटेगरी इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद कैटेगरी का नेम आ जाएगा यहाँ पे, और बैकग्राउंड में उसका स्लैग आ जाए उसका स्लग आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद ये मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं फटाफट आपको बताता चला जाऊँगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो रीलोड कीजिए, और एंड रीलोड करते ही आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे कैटेगरी इसी पे ही डिफाइन की थी, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं की थी। तो यहाँ पे कैटेगरी आ चुकी है HTML टेक्निकल ट्यूटोरियल, वहाँ पे मैंने ली हुई है, ठीक है। तो मैं एक और के पोस्ट ऐसी क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं कैटेगरी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं इसे एडिट कर लेता हूँ इसे। एडमिन एंड लॉग इन प्रॉपर एडमिन एंड एडमिन, ठीक है। उसके बाद मैं इसे एडिट कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ, और इसमें भी डिफाइन कर देता हूँ कि कैटेगरी कौन सी मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने PHP ले चुका हूँ, मैं PHP, चलिए यहाँ पे PHP ले लेते हैं। तो मैंने PHP में सबमिट कर दिया, उसको भी मैं एडिट कर लेता हूँ, और इसमें भी कैटेगरी ले लेता हूँ, PHP HTML ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें भी कैटेगरी डिफाइन कर दूंगा, एडिट एडिट कीजिए। चलिए मैं यहाँ पे टेक्निकल ट्यूटोरियल्स ले लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे रिफाइन कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे PHP ले लेता हूँ, और अपडेट प्रॉपर ये अपडेट हो चुका है, और यहाँ पे रिलोड करते हैं इसको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्या लिया था, HTML लिया था और टेक्निकल ट्यूटोरियल लिया था। यहाँ पे मैंने HTML PHP लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब मैं HTML पे क्लिक करूँगा तो HTML से रिलेटेड जो भी कैटेगरी यहाँ पे आएगी उसमें सभी पोस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ पे पेज वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक मैंने वो पेज क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं वो पेज क्रिएट करने वाला हूँ, तो प्रॉपर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो पेज क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ब्लॉग ब्लॉग पे राइट क्लिक, ब्लॉग न्यू फाइल, देन सेव, और यहाँ पे आपको फाइल का जो नेम लेना है, जो नेम लेना है कैट लिंक्स, आपने फाइल का नेम ले लिया। उसके बाद PHP सेव कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, तो फटाफट मैं जस्ट आपको बताऊँगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग चुका है ऑलरेडी, ये काफ़ी लेंथली वीडियो बन चुकी है। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल आता है हमारा, सेव आ गया। उसके बाद हम सेलेक्ट कर रहे हैं कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम फॉर फ्रॉम टेक्नो कैटेगरी ब्लॉग। तो हमें कैटेगरी आईडी चाहिए और कैटेगरी नेम चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम करें, कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंग ही हम कैटेगरी को डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने लोकेशन दे दी, ठीक है। यदि कोई ऐसी कैटेगरी अवेलेबल नहीं होती, डज नो इफ पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स यहाँ पे कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, तो वो कहाँ पे चल जाए, इंडेक्स डॉट पी एच पी चल जाए, मेन पेज पे चला जाए, ठीक है। एंड कैटेगरी नेम यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया मैंने, जो भी कैटेगरी आएगी, एंड टेक्नो स्मार्टर जो कि मैं कम्प्लीटली आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉग यहाँ पे यूज़ किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, प्रिपेयर की कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेलेक्ट कर रहा हूँ कहाँ से, टेक्नो ब्लॉग आर्टिकल, टेक्नो ब्लॉग आर्टिकल टाइटल, टेक्नो ब्लॉग आर्टिकल सेलेक्ट। तो टेक्नो ब्लॉग से मैं यहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूँ फ्रॉम टेक्नो ब्लॉग एंड टेक्नो कैटलिंग, ठीक है। आर्टिकल आईडी रिलेटेड हो जो कैटेगरी से, वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। जितनी भी पोस्ट उस कैटेगरी से लिंक है वो यहाँ वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो वेयर टेक्नो ब्लॉग आईडी
एंड यहाँ पे मैंने दिया हुआ है टेक्नो कैट लिंक्स डॉट कैटेगरी, तो वहाँ पे कैटेगरी आईडी आ जाए और ऑर्डर बाय आर्टिकल आईडी, डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ठीक है। तो इसके बाद एग्जीक्यूट करा दिया, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे लिंक दे दी ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल टाइटल हो गया मेरा ठीक है, आर्टिकल टाइटल हो गया जो कि मैं वहाँ पे नॉर्मल सी करा चुका हूँ आर्टिकल टाइटल, और ये आर्टिकल सेलेक्ट हो गया मेरा ओके। उसके बाद टाइम डेट ले लिया मैंने, और उसके बाद सेम जो मैंने अभी कोड किया था कैटेगरी डिस्प्ले कराने का, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी डिस्प्ले कराने का यहाँ पे मैं ले चुका हूँ प्रॉपर, इतना समझ में आता है आपको ठीक है। प्रॉपर मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद आर्टिकल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, एक बटन ले लिया क्योंकि वन बाय वन लिस्ट होके आएंगी ना ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया प्रॉपर मेरा कैटेगरी के लिए। तो रीलोड करता हूँ मैं यहाँ पे एंड HTML, जैसे ही मैं HTML पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पे मुझे HTXS फाइल में भी कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे HTXS फाइल में चलिए ओपन कीजिए HTXS फाइल, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर पे देना है, तो एंटर, और मैं 3 नंबर पे ये कोड देता हूँ री राइट टू कैटेगरी। ये कैटेगरी और फॉरवर्ड स्लैश इसलिए लिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे मैंने कैटेगरी कीवर्ड लिया हुआ है ठीक है, इसको कैटेगरी लिंक्स को। उसके बाद सेव कर देना है, सेव कर देने के बाद रीलोड, रीलोड करने के बाद जैसे ही मैं HTML पे क्लिक करूंगा तो HTML से रिलेटेड सभी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और रीड मोड बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये डिस्प्ले हो रही है प्रॉपर ठीक है। उस तरीके से आप यहाँ पे हो चुका है, और PHP पे क्लिक करता हूँ PHP से रिलेटेड सभी पोस्ट आ जाएंगे यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कैटेगरी को भी डिस्प्ले करा सकते हो आप ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सो डॉट पी एच पी भी मीन्स यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ठीक है, तो सो डॉट पी एच पी में कैटेगरी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो सेम ही जो जैसे मैंने इंडेक्स में कोड चेंज किया था ऐसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। तो आपको कहाँ पे जाना है, सो डॉट पी एच पी में जाना है, सो डॉट पी एच पी, और उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जो मेरा टाइम है। तो यहाँ पे इस लाइन को आपको चेंज करना है जो कि मैं आपको बता देता हूँ ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, देखिए एको से लेके यहाँ तक मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है प्रॉपर जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया जो कि मैंने इंडेक्स डॉट पी एच पी में किया था। जहाँ पे भी आपको कैटेगरी डिस्प्ले करानी हो तो ये आपको लेना ही पड़ेगा, सिलेक्ट कैटेगरी नेम जो कि मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी में आपको बताया था नॉर्मल सा, तो यहाँ पे भी कैटेगरी आ जाएगी। तो यहाँ पे कहाँ पे आएगी कैटेगरी, मैं इसको रीलोड करता हूँ, और रीलोड करने के बाद आप देख सकते हैं पोस्टेड फरवरी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम आ गया आपका और ये इन कैटेगरी, तो ये मेरी कैटेगरी आ गई। और बेस्ट पार्ट हो गया ब्लॉग और कैटेगरी और पीएचपी, तो स्लग भी इसका बेस्ट हो जाता है कि कैटेगरी आ रहा है और उसके बाद पीएचपी आ रहा है प्रॉपर। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे भी डिस्प्ले कराते हैं जो कि मैंने यहाँ पे कैटेगरी है, तो कैटेगरी यहाँ पे भी डिस्प्ले कराता हूँ, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता, तो मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल पहले से बना चुका हूँ, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल समझा रहा हूँ। तो कैटेगरी हो गया, तो कैटेगरी में कैसे आपको करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको साइड बार में जाना है, तो साइड बार यहाँ पे आपको साइड बार मिल जाता है, साइड बार डॉट पी एच पी फाइल, एंड देन आपको क्या करना है, इसको रिमूव करना है जितना भी कोड यहाँ पे लिया था कैटेगरी के लिए डेमो के लिए, यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है। और उसके बाद जो कोड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरी नेम, कैटेगरी सेलग टेक्नो कैटेगरी ऑर्डर बाई आईडी ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए यहाँ पे आपका कौन सा यूआरएल है, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल भी आ सकता है, यदि आप लोकल होस्ट पे काम करें तो लोकल होस्ट का आएगा। 8081 मेरा जो है पोर्ट मैं यहाँ पे लूंगा क्योंकि मेरे प्रॉपर एरर आएगी फिर। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरी नेम, कैटेगरी आईडी, तो वहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जस्ट डिस्प्ले करा रहा हूँ, उसमें एक लिंक दे दी मैंने ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ, तो रीलोड करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं HTML आ चुकी है। तो जैसे ही मैं HTML पे क्लिक करूँगा, सो मैं HTML पे क्लिक करता हूँ, सो ये मैंने 8081, और मैंने यहाँ पे क्या लिया 8081, तो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8081 ठीक है, मेरा पोर्ट ये है, तो पोर्ट को ध्यान से रखें वरना आपका पेज काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। तो HTML मुझे क्लिक करना है, तो HTML पे देख सकते हैं ये भी आपका साइड बार में डिस्प्ले करा चुके हो आप, तो डिस्प्ले करा दिया मैंने यहाँ पे ओके।
तो इस तरीके से आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो जो कि कंप्लीट हो चुका है ये प्रॉपर। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने फटाफट आपको बता दिया है। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप टैग्स को ऐड करेंगे ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। तो ब्लॉग पोस्ट के लिए कैसे हम टैग्स को ऐड करेंगे वो कम्प्लीटली मैं आपको वहाँ पर समझाऊंगा। तो कैटेगरी को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितनी भी कैटेगरी आप यहाँ पर डिफाइन करोगे वहाँ पर आ जाएगी। तो एक कैटेगरी भी आप डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल भी कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हो। यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।